बिना कुछ बोला भी नहीं किसी ने, पूरा थिएटर इस टाइम पे खाली पड़ा हुआ है। मैं अकेले अंदर आ गया हूँ, शायद से अभी कोई भी मूवी का टाइम नहीं है, थोड़ा ना पहले बाहर चल के ना एक बार टाइम वाइम देख कर आता हूँ, उसके बाद हम लोग अंदर आएंगे कौन सी मूवी कितने बजे यहाँ पर चलने वाली है। वही मैं कहूँ यार, पूरा थिएटर खाली पड़ा हुआ है, वो भी लॉस सैंटोस का, इम्पॉसिबल है भाई। अगर कोई मूवी लगी ना यहाँ पे, पॉपकॉर्न की लाइन में ही लगे रह जाएंगे, नंबर नहीं आ पाएगा। फिलहाल हाँ मैं काम करता हूँ, यहीं पर आराम से खड़े होके ना पहले मतलब कि माइकल की फैमिली के आने का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी मूवी कितने बजे की है, फिर उसके बाद टिकट लेंगे। पता चला टिकट ले ली और माइकल की फैमिली लेट हो गई, फिर मूवी भी मिस हो जाएगी और काम भी खराब हो जाएगा। तो गाइस देखो अभी ना फिलहाल माइकल की फैमिली यहाँ पे हमसे मिलने के लिए आ रही है, बट एक चीज तो मैंने सोची नहीं कि आखिरकार अपने बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अगर वो लोग आते हैं तो उन्हें हो सकता है रेस्टोरेंट जाना हो या फिर मूवी भी देखनी है, तो उसके लिए भी हमें टिकट्स तो लेनी ही पड़ेगी ना। बट अपने पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है इस टाइम, मुझे एक बार अपने बैंक अकाउंट में देखना पड़ेगा कितना पैसा हमारे पास, कितना टोटल बैलेंस है, सिर्फ और सिर्फ $1,000 बच्चे। कुछ पैसों से मैंने मोबाइल ले लिया था यार, कोई बात नहीं, आज का दिन हम लोग जैसे तैसे $1,000 में निकालते हैं, क्योंकि यार देखो थोड़ी दिन की बात है, उसके बाद हमारे जो डायमंड्स है वो भी बिक जाएंगे और जो डीलरशिप है वो भी हो जाएगी और प्रोड्यूसर बनने वाले हैं तो वहां से भी ढेर सारा पैसा आने वाला है। फिलहाल एक बार उनसे कॉल करके पूछता हूँ आखिरकार ये लोग कहाँ पे रह गए हैं भाई, इतनी ज्यादा देर हो गई। हेलो एक सेकंड भाई साहब, ये लोग कौन है, वैन लेके आ रहे मुझे पकड़ने के लिए, ये दोनों बाउंसर्स ने मुझे पकड़ कर अपनी गाड़ी में डाल दिया। हेलो, तो गाइस अभी ना फिलहाल इन दोनों लोगों ने मुझे किडनैप कर इस वैन के अंदर लाकर बैठा दिया है, और अभी पता नहीं ये लोग अपनी वैन चलाकर मुझे कहां पर लेकर जाने वाले हैं। हेलो भाई साहब, अभी मैं कसम से बहुत बुरी तरह फंस चुका हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है ये किसके बॉडीगार्ड्स हैं, और इनके पास यार दोनों लोग के पास तगड़ी तगड़ी गन्स है, और इन लोगों ने मुझे साफ साफ बोला है कि अगर तूने ऊपर देखने की कोशिश भी करी तो यहीं के यहीं तुझे मार डालेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि अभी हम लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि मेरे पास एक भी वेपन्स यानी एक भी गन नहीं है, मैंने सारी गन घर पर रख दी थी, वरना तो मैं इन दोनों लोग का ना, इन दोनों का क्या, इन चारों लोग का मुंह तोड़ डालता। भाई साहब पता नहीं अब ये लोग मुझे कहां पर लेकर जाने वाले हैं, मेरे साथ क्या ही होने वाला है भाई, कसम से मुझे कोई आइडिया नहीं है। ओ भाई हेलो, सबसे बड़ी दिक्कत जो डायमंड का ब्रीफ केस हमें बिग माफिया के भाई ने दिया था, वो भी शायद से वहीं पर गिर गया है या फिर इन लोगों ने छीन के अपने पास रख लिया, बट हाँ वो ब्रीफ केस अभी अपने पास नहीं है। यार क्या ही गंदी तरह हम लोग फंस चुके हैं भाई इनके ट्रैप में। तो ओके गाइस, अभी ना इन लोगों ने मुझे किसी बहुत ही डेंजरस से सीक्रेट बंकर के अंदर लाकर बंद कर दिया है। यहाँ पे चारों तरफ ब्लडी ब्लड और बंदों के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए हैं, और अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। लास्ट टाइम इन्होंने मुझे वैन में बेहोश कर दिया था, और उसके बाद जब मुझे दोबारा होश आया तो मैं सीधा यहाँ पर था, और एक सेकेंड ये अपना लिबर्टी वाला फ्रेंड, इसने हमें किडनैप करवाया, वो भी मिनी मद्रासों के साथ मिलके। भाई ये लोग क्या करना चाहते हैं, कसम से मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ जिस तरीके से ये लोग मेरे से मिलने आए हैं मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा, मुझे तो लग रहा था ये मर गया है, बट अभी ये रेंच लेके शायद मुझे मारने के लिए आया है। तो गाइस देखो अभी ना हम लोग बहुत बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि मिनी मद्रासो को और अपने लिबर्टी वाले फ्रेंड को बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। आप लोग को याद होगा कि जब ये डगन बॉस की पार्टी में आया था उस बड़ी वाले बिल्डिंग में, तो हमने वहां पे डगन बॉस को मरवाने के लिए उस बिल्डिंग में प्लेन लाके क्रैश करवा दिया था, और इसको लग रहा है कि वो प्लेन हमने इसको मरवाने के लिए क्रैश कराया था, जबकि हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, और ये सोच रहा है कि वो जो बड़ा वाला शोरूम है ना जो हमने इससे खरीदा था, उसकी पेंडिंग पेमेंट हमें ना करनी पड़े और वो शोरूम हमारे नाम हो जाए, बट यार ऐसा सीन नहीं है। फिलहाल अभी इन लोगों ने मुझे बहुत गंदी तरह मारना शुरू कर दिया है, वो भी अलग अलग वेपन्स लाकर ये लोग यहाँ पे मुझे टॉर्चर कर रहे हैं भाई बहुत गंदी तरह, और साथ ही मिनी मद्रासो कह रहा है कि भाई मैंने तुम्हें इतना बड़ा मेंशन दिया और उसके बदले तुमने मेरी सारी गाड़ियां चुरा ली। यार वो गाड़ियां मैंने अपनी लेनी चुराई थी, बट हाँ चोरी तो हमने ही करी थी, और मुझे नहीं लगता कि अभी ये लोग मुझे छोड़ने वाले हैं, मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी वेपन्स नहीं है, और मैं किस जगह पे बंद हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है, बाहर सिक्योरिटी भी बहुत है। तो गाइस देखो अभी ना कॉन्टिन्यूसली आधे घंटे तक पीटने के बाद वो लोग मुझे इस रूम में छोड़कर यहां से जा चुके हैं, और उन्होंने मुझे बोला है कि हम लोग तुझे अपने हाथों से नहीं डगन बोस और एल रूबियो के हाथों से मरवाएंगे।